हम आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि मेहुल चोकसी देश छोड़कर भागा है, अगर निर्दोष है तो वापस आए, कोर्ट के सामने अपनी बेगुनाही के सबूत दे। एबीपी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में 14,000 करोड़ के गबन का आरोपी मेहुल चोकसी सामने आया है। उसने कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। और मेहुल चोकसी एक ऐसा शख्स है जो कि लगातार राजनीति के केंद्र में रहा है। जिस तरीके से बैंकों का पैसा लेकर भागने की एक पूरी परंपरा सी दिखती रही है, उसके बीच मेहुल चोकसी एक ऐसा चेहरा था जिस तक एबीपी न्यूज पहुंचा। हमारे साथ नलिन कोहली हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं। नलिन जी, एबीपी न्यूज पहुंचा है और वो अपनी बातें रख रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसके कारोबार को टप कर दिया गया। हर व्यक्ति का अधिकार है कहना कि मैं निर्दोष हूं। जो मर्डर भी करता है वो भी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूं। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह लेती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तय करता है कि मैं निर्दोष होकर भाग रहा हूं, तो आप राजनीतिक बातों के ऊपर में प्रश्न उठाएंगे, पार्टियों के ऊपर उठाएंगे, सरकार पे उठाएंगे, तो कोर्ट पे भी उठाएंगे क्या? क्या इस देश के कोर्ट जो है राजनीतिक संस्थाएं हैं क्या? तो कोर्ट में आइए, अपने सबूत के साथ अपने आप को बरी करवाइए। भागने से क्या ये बदलने वाला है? तो ये पहला ही संकेत होता है, जब आदमी भगौड़ा बनता है, वो घबरा रहा है, कोर्ट के सामने आना नहीं चाहता, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता, कि उसे कुछ उसके पास है जो वो छुपाना चाहता है। मेहुल एंटीगा जैसी छोटी जगह में है और वहां से वो बैठ के कह रहा है कि मुंबई में मेरा कोई अब रहा नहीं, मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे फंसाया जाएगा बैंक को बचाने के शर्त पर। इसमें क्या सच्चाई है? क्या कोई कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो बैंक के कोई नुमाइंदे हैं? कोर्ट में जो पूरी प्रक्रिया है, सीपीसी सीआरपीसी जो पुस्तकें हैं जिसके आधार पर कोर्ट चलता है, संविधान जो है वो क्या बैंक के लिए काम करता है? क्या अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।